नमस्ते, राम राम सभी दोस्तों। कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है? नमस्ते विक्रम भाई, रोहित जी, राम राम। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे। और मैं बहुत समय से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ फेसबुक पे बात हो पाए, लाइव आ सकूं, पर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी था, टाइम नहीं दे पाया लाइव आने का। पर पिछले दिनों काफ़ी कुछ सीखा, मतलब पिछले दिन बहुत अच्छे रहे, बहुत अनुभव हुआ और मेरे जीवन के बहुत अच्छे दिनों में से पिछले दिन मेरे निकले। और बहुत समय से मैं चाहता था कि आप सभी लोगों के साथ रूबरू हूँ, जो मेरे साथ पिछले दिनों हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि बहुत कुछ मैंने सीखा है पिछले दिनों में। साथियों, पिछले दिनों राम भरत जी, नमस्ते भजन जी, और मेरे को अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी लाइव इस समय 500 550 लोग इस समय लाइव है। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आप लाइव जुड़े मेरे साथ, अब 600 हो गए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का कि आप अपना समय निकाल के यहाँ पे लाइव मेरे साथ जुड़े। तो साथियों, पिछले दिनों मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, पंचायत समिति इटावा के चुनाव में, और परिस्थितियाँ इस तरीके की बनी कि मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और ऐसा चुनाव, निर्दलीय मेरे जीवन का पहला चुनाव था और उन परिस्थितियों के लिए मैं तैयार नहीं था। मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार नहीं था और परिस्थितियां इस तरीके से बनी कि बात स्वाभिमान पे आई और हक की बात हुई तो वहाँ पे हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। पर बहुत सारी चीज़ें होती है, बूथ मैनेजमेंट होती है, टीम मैनेजमेंट होती है। आज मेरे पास अच्छी टीम है, पर आखिरी समय में जब निर्दलीय का फैसला बना तो मैं उस टीम को भी अच्छे से काम नहीं ले पाया। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं। वैसे तो आदमी को निर्दलीय अगर वो लड़ता है, प्रधान का जब चुनाव, आदमी जब चुनाव लड़ता है, कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो वो पूरी तैयारी के साथ लड़ता है। बाकी वार्ड्स में भी, टोटल हमारे 17 वार्ड है, तो बाकी वार्ड में भी वो 17 जो है, 17 कैंडिडेट्स में अपने बाकी 16 वार्ड है मेरे, उस पर भी निर्दलीय उतारता है अपने, फिर वो दावेदारी करता है। पर वो समय मेरे को मिल नहीं पाया और मेरे को आखिरी में ऐसा फैसला बहुत जल्दी में लेना पड़ा कि मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर पाया और मेरे को निर्दलीय उतरना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में भी आप जैसे कई सारे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े और बहुत सारे लोग जुड़े और जनता का अच्छा आशीर्वाद रहा, मेहनत करी। बड़ी पंचायत थी, 16 गांव थे और 2.5 पंचायत उसमें थी। लुआवत वार्ड से मैं चुनाव लड़ा, लुआवत ग्राम, लुआवत ग्राम ख्यावदा, ग्राम पंचायत ख्यावदा और दुर्जनपुरा आदि उसमें पड़ती है। लोगों का अच्छा आशीर्वाद रहा। 21 तारीख को मतगणना हुई और जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा कुछ जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा, जो मैं सोच नहीं सकता था। सभी के आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत हुई। 2500 वोटों के आसपास, 2400 वोटों से अपन ने विजय प्राप्त करी और अपन उसमें सफल रहे। पंचायत समिति सदस्य में अपन पास हो गए, क्लियर कर गए और बहुत अच्छे लोग जुड़े। मैं सबसे पहले तो ग्राम पंचायत लुआवत ख्यावदा वो दुर्जनपुरा के ग्रामवासियों को और सभी कार्यकर्ताओं को जो मेरे साथ ऐसे दुखद समय में मेरे साथ जुड़े, जिसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बिल्कुल इस बात का आप निश्चित रहिए कि आप लोग मेरे को जब भी याद करेंगे, ये मैं एहसान है आप लोगों का कि मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का पहला चुनाव था, बहुत अहम चुनाव था और ऐसी परिस्थितियां बनी उसमें भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया। तो ये तो आप लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इसके बाद 21 तारीख को
जब रिजल्ट आया तो 23 तारीख को प्रधान के चुनाव होने थे, सीट ST थी और अपन निर्दलीय थे। किस्मत ऐसी पलटी मारी कि चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत ही ज्यादा अच्छा चुनाव हुआ और रिजल्ट इस तरीके से रहा कि बीजेपी के पास 7, कांग्रेस के पास 8 और निर्दलीय 2, और 2 में से एक तो मैं जो वार्ड नंबर 9 से था, और एक मेरी भाई जो हमारा जो गांव पड़ता है जिसमें गांव पोलाना वार्ड नंबर 5 ग्राम पंचायत बिनायका उसमें पड़ती है, वो वार्ड नंबर 5 से एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हुए, जितेंद्र जी योगी, वो भी बहुत अच्छे मतों से जीते, 800 मतों से उनकी विजय हुई। और वो भी, उनका पूरा परिवार और वो कांग्रेस के प्रति समर्पित थे, पर उनको टिकट नहीं मिल पाया, मेरी तरह उनको भी नहीं मिल पाया, और टिकट न मिलने के बाद वो निर्दलीय हुए। हमारा गांव कोलाना उसी में आता है, 800 वार्ड से वो 800 वोटों से वो जीते, बहुत अच्छी विजय उन्होंने पाई। हम 2 निर्दलीय रह गए। हमारा अनुमान ये था कि कम से कम उस समय जो थे निर्दलीय के हिसाब से कि 5 निर्दलीय उसमें रहेंगे, जिसमें दुर्गा शंकर जी का हम मान के चल रहे थे, एक सिनोता वार्ड से निर्दलीय की खबर आ रही थी, एक BSP की आ रही थी, पर स्थिति ऐसी बनी कि 2 ही रह गए। पर वो 2 जो थे वो किंग मेकर थे। जब 8, 7 और 2 की लड़ाई में वो 2 जो थे वो इस तरीके से बने कि वो 2 के हाथ में पूरी पावर थी। अब प्रधान कौन बनेगा, इसकी जो पूरी पावर है उनके हाथ में है कि वो पसंद करेगी प्रधान कौन बनेगा। जैसे 21 तारीख को रिजल्ट आया, 21 तारीख को ही सबसे पहले बीजेपी से मेरे को ऐसा मेरे पास फोन आने लगे कि आप बीजेपी ज्वाइन करो, और पदाधिकारियों के भी फोन आने लगे, कई सारे पार्टी में अच्छे वर्चस्व रखने वाले नेता गण थे उनके फोन आने लगे कि आप बीजेपी ज्वाइन करो, कि हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपको प्रधान बनाएंगे और पूरा सम्मान आपको देंगे। पर बीजेपी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी शुरू से कांग्रेस की रही है। मेरे दादाजी भी पहले पूर्व में 2 बार प्रधान रह चुके हैं, कांग्रेस से उप जिला प्रमुख रह चुके हैं। और अगर दादाजी की बात नहीं भी करें तो मेरे तो दादाजी को गए हुए 2002 की बात है, पर मेरी खुद की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो कांग्रेस की विचारधारा है मेरी। मैं ये नहीं बोलता कि बीजेपी की विचारधारा गलत है, या मैं उस बात पे नहीं कह रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरी विचारधारा जो है वो कांग्रेस की है, तो इस कारण से मैं बीजेपी में नहीं जा सकता था। और प्रधान बनने के लिए मैं अपनी विचारधारा के साथ खिलवाड़ करूं और मैं उधर जाऊं, तो मुझे वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि पहला चुनाव था मेरा और मैंने पूरा सम्मान पूर्वक, पूरी आदर के साथ मैंने धन्यवाद दिया बीजेपी को कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा, कि उन्होंने अपनी पार्टी में आने का मुझे पूरा ऑफर दिया, जिसके लिए मैंने उन्हें धन्यवाद भी दिया और आदर पूर्वक मैंने उनको जवाब दिया कि मैं आपकी पार्टी में मैं आ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी विचारधारा, मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल कांग्रेस के प्रति लगे रहे या कि उसके प्रति लगे रहे, और मेरा दिमाग जो है बीजेपी के साथ रहे। तो ऐसी मेरी सोच है, मेरी खुद की व्यक्तिगत ऐसी सोच है कि अपन को उसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे अपना दिल करता है। आजकल ऐसा होता है कि लोग बाग अपना मौका देख के, मेरे को कई लोगों ने उस समय बोला कि आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि पद महत्वपूर्ण रहता है, आज आप प्रधान बनोगे तो कल से आप विधायक भी बनोगे। हो सकता है उनका सोचना सही हो, वो मेरे प्रति चिंतित थे इसलिए उन्होंने ये बात बोली, पर मेरे लिए महत्वपूर्ण ये रखता है कि विधायक आदमी, आजकल विधायक बनना बहुत आसान काम है, इस पार्टी से उस पार्टी में कूदो, उस पार्टी से इस पार्टी में कूदो, कोई ज्यादा मोरल लोगों का रहा नहीं है और वो विधायक बन जाते हैं मौका देके। मेरे को राजनीति में आना जरूर है क्योंकि मेरा मकसद लोगों की सेवा करना है, पर मेरे को इस तरीके की राजनीति में नहीं आना कि मैं एक मटके की तरह इधर उधर डोलता रहूं, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में। मैं अपने सिद्धांतों का पक्का हूं और अपने स्वर्गीय दादाजी और पिताजी के वसूलों पे मैं चलता हूं। मैं बहुत छोटा था जब वो चल बसे थे, तब मैं 10 साल का ही था, पर मैंने हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करी है, तो इस वजह से मैंने बीजेपी को मना कर दिया। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस में जब
बीजेपी तो घर पे, कई सारे लोग मेरे घर पे भी आए, मुझसे बात भी करी, घर पे आके मुझसे बात करी। क्योंकि उस दिन से क्या हुआ कि फ़ोन आने बहुत ज़्यादा चालू हो गए, तो मैं सबके फ़ोन उठाना संभव मेरे लिए नहीं था, तो उनको उस तरीके से मना हुआ। कांग्रेस का जो लोग हार गए, जो लोग कांग्रेस के वार्ड से हार गए, जो बाड़े में थे कांग्रेस के, वो लोग बाड़े से बाहर निकले, उन लोगों का मेरे पास फोन आया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। एक दो का मेरे पास फोन आया, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप विधायक साहब से बात करो आगे होके, और उनसे बात करो कि ठीक है बाबूजी, जो भी हुआ मुझसे गलती हुई, आप मुझे आशीर्वाद दो। मुझे कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लगा कि पहली बात तो मुझे, मेरे से गलती क्या हुई। अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा तो एक आदमी का चुनाव लड़ना उसके उसका हक बनता है, उसको, मैं तो ये कहता हूँ कि लड़ना चाहिए, अपने हक की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। मेरे से कोई गलती नहीं हुई, और विधायक साहब जो है हमारे रामनारायण जी, हमारे समाज के सम्माननीय हैं, और जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा अनुभव उनका राजनीतिक अनुभव है। मैं उनका पूरा आदर करता हूँ, सारा सम्मान उनको मैं देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। ठीक है, ये राजनीति है, परिस्थितियाँ क्या बनती है, किसकी किसी का क्या परिस्थितियाँ बनती है, उसके अकॉर्डिंग आदमी का माइंड चेंज होता है। हमारे विधायक श्री रामनारायण जी का मैं आगे भी सम्मान करता रहूँगा, पर मेरे को एक बात नहीं समझ में आई। यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिक्स की। दो निर्दलीय है जिनके हाथ में कमान है, आज अगर किसी पार्टी को अपना प्रधान बिठाना है तो वो मेरे से कांटेक्ट करे, वो मेरे पास आए, बीजेपी मेरे पास आई, मैंने उनको पूरा आदर दिया, सम्मान दिया, मना किया जरूर पर आदर पूर्वक, मैंने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया किसी को। पर मेरे को ये बोला गया कि आप रामनारायण जी से बात करो, आप प्रधान बन जाओगे, मैं उनसे क्यों बात करूं? अगर कांग्रेस पार्टी को अपना प्रधान बनाना है तो वो मुझसे बात करे, क्योंकि ये तो मेरे स्वाभिमान की बात आ गई ना। मैं अगर प्रधान बनना चाहता हूं, ये मेरा सपना जरूर है कि मैं प्रधान बनने के लिए मैंने इतनी मशक्कत करी, मेरा भी सपना था कि मैं लोगों की सेवा करूं, प्रधान बन के ज्यादा लोगों की सेवा, पर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके मैं, मेरा ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं इस तरीके से प्रधान बनूं। और जहाँ तक बात आती है इसकी, मेरे को बोला गया कि विधायक साहब ने आपसे बात करने की, एक दोस्त ने मेरे से बोला कि आप उनसे मिल लेते अगर तो आज आप प्रधान होते और कल आप विधायक के दावेदार होते। ऐसी ऐसी बात मुझे आने लगी, कोई बोलने लगे कि साहब आप बात करो कि विधायक साहब आप मुझे आशीर्वाद दो, और जो है मुझसे गलती हो गई और आप मुझे प्रधान बनाओ। पहली बात तो कोई गलती नहीं हुई, दूसरी बार आशीर्वाद लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो हमारे सम्माननीय विधायक साहब है, पर मेरे को इस बात की ठेस पहुंची कि विधायक साहब का मेरे पास फोन आया नहीं। मैं ये नहीं कहता कि विधायक साहब खुद मेरे पास आते, खुद मुझसे बात करते, पर किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को, चाहे वो कोई भी होता, ब्लॉक अध्यक्ष होता, देहात अध्यक्ष होती, कोई भी XYZ कोई भी होता, मेरे से आके मिलता, मुझसे बात करता कि आपकी जो भी नाराजगी है, जो भी XYZ बात करता, मैं पार्टी को सपोर्ट करता। पर वो हुआ नहीं, MLA साहब का आखिरी तक मेरे पास फोन आया नहीं, और MLA साहब, लोग मुझे यही बोलते रहे कि आप MLA साहब को फोन करो कि वो आपको बनाने के इच्छुक है, पर मैं क्यों फोन करूं, मैं क्यों अपने ये तो मेरी स्वाभिमान की बात है ना, मैं क्यों आगे होके उनके पास जाऊं? मैं जाता, और मैं ये भी मानता हूं कि कोई आदमी अगर किसी के पास जाए तो उससे वो छोटा नहीं हो जाता। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, पहले जब मेरे को गरज पड़ती थी, कोई ट्रांसफर का काम लेके मेरे को जाना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था, तो मैं बूंदी जाता था रायतल MLA साहब के पास। मेरे को बोलते हुए वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी कोई बात नहीं, बोल देते हैं अपन, मेरे काम भी नहीं हुए, मेरा कोई ट्रांसफर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर भी मैं रायतल जाता था उनके पास, और मैं उनके पास जाने से कोई छोटा नहीं हो गया। या फिर कोई अगर आदमी मेरे पास आ जाएगा अगर आज, या फिर बीजेपी वाले मेरे पास आ गए तो कोई छोटे नहीं हो गए मेरे सामने। पर बात ऐसी है कि इस समय गरज किसको है, पार्टी को है, पार्टी मेरे पास आए, मैं क्यों किसी के पास जाऊं? फिर मेरे को ऐसी बात आने लगी कि आपके पास MLA साहब का, मैं बार बार फोन चेक कर रहा था कि MLA साहब का फोन चेक करें कि फोन तो नहीं आया, साहब का फोन आया नहीं,
और मेरे को ऐसी खबर आने लगी कि आपके पास जो है ऊपर से फोन आए। अब इतना तो सोचना चाहिए कि अगर कोई आदमी किसी वार्ड में 2400 वोटों से अगर कोई जीत रहा है, तो 2400 वोटों से जीत रहा है तो उसकी लोकप्रियता कितनी होगी। अगर आप उस समय में मेरे को 21 22 23 22 22 का दिन था जिसमें तैयारी करनी थी, 21 में अगर आप मेरे को फोन करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं आपका फोन उठा लूंगा। मैं आपको मेरे फोन की हालत दिखा दूंगा, हो सकता है इस फोन में नहीं दिखे, आप देखोगे पूरा मिस्ड कॉल ही मिस्ड कॉल है, पूरा फोन लाल हुआ पड़ा है। मतलब इतने ज्यादा मिस्ड कॉल है लोगों के, इतने कॉल थे, मैं क्षमा चाहूंगा लोगों के फोन नहीं उठा पाया, पर मैं अगर इतने लोगों के फोन उठा के जवाब देने लगूंगा या किसी से बात करने लगूंगा तो मैं प्रधान मैं ऐसे तरीके से चुनाव लड़ूंगा कि मैं लोगों के जवाब देता रहूं। मेरे पास यहाँ पे कोई भी मेरे घर पे मेरे किसी भी एड्रेस पे कोई भी पदाधिकारी नहीं आया कांग्रेस पार्टी का, ना एमएलए साहब ने भेजा, ना किसी ने भेजा। मुझे नहीं पता कि पार्टी का क्या प्रोसीजर है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे पास किसी का फोन आएगा तो ही, क्योंकि बात तो स्वाभिमान की थी, वो हो नहीं पाई। अब चुनाव कैसे लड़ा जाए जब आपके पास दो कैंडिडेट है। अब दो कैंडिडेट के साथ अगर मुझे चुनाव लड़ना होता, अब मुझे प्रधान बनना ही होता और मुझे पहले ही पता चल जाता कि मेरे साथ चोट होने वाली है, तो कायदे से तो प्रधान की सीट मेरे से कोई छीन नहीं पाता, क्योंकि मैं सभी वार्ड पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करता। और मुझे जनता पे पूरा विश्वास है कि जनता, और नहीं तो कम से कम 8 कैंडिडेट तो मेरे जिताती 17 में से, मुझे ऐसी उम्मीद है। हालांकि मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं बहुत घमंडी हूं या मेरे के अंदर ईगो है, पर मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। इसलिए उम्मीद करता हूं क्योंकि कांग्रेस के कई सारे टिकट पे, जिनको टिकट मिले जब मैं निर्दलीय उतरा, तो कई सारे टिकटों पे बहुत सारे वार्ड में लोगों ने इस बात को कह के वोट दिए कि आप अगर चेतन पटेल को वोट दोगे तो आपको जिताएंगे। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहाँ से मेरे को ऐसी खबर मिली जब मैं उन गांव में गया कि फलाना कैंडिडेट को आपके नाम के वोट डले, इस कैंडिडेट को आपके नाम के वोट डले और ये आपका ये कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि बाड़ेबंदी हुई, वो लोग बाड़े में चले गए कांग्रेस पार्टी के, और दुर्भाग्य से हम दो ही निर्दलीय रह गए। बाकी निर्दलीय हमने खड़े नहीं किए थे, वो खुद की इच्छा से खड़े हुए थे, पर हम दो ही कैंडिडेट रह गए। अब प्रधान की तैयारी कैसे की जाए, कैसे प्रधान बना जाए ऐसी सिचुएशन में जब आप बीजेपी में जाने के रहे ही नहीं और आप कांग्रेस में अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता करने के रहे ही नहीं। तो मैंने ये कोशिश करी, समय कम था, 22 का ही दिन था, हमारे पास 23 को चुनाव थे। मैंने अपना मानस सेट कर लिया कि अपन को जो है ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इधर से अपना कुछ भला हो पाएगा, इधर से किसी का फोन आ पाएगा। तो उस बात से जब उम्मीद मैंने खोके, मैंने डिसीजन लिया कि अपन इंडिपेंडेंट के लिए एक बार तैयारी तो रखें। अगर आखिरी में किसी का फोन आता है, सम्मानपूर्वक अपन को अगर पार्टी में बुलाते हैं या फिर पार्टी अपन को एंटरटेन करती है या रामनारायण जी अपन को बुलाते हैं, सम्मानपूर्वक फोन करते हैं या किसी पदाधिकारी को घर पे भेजते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रामनारायण जी खुद मेरे घर पे आते हैं, मैं जानता हूं वो बहुत सम्मानित नेता है हमारे जो है विधानसभा के, पर उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि अब अपन को निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। और निर्दलीय में मैंने कोशिश करी कि 6 काउंटिंग, 6 वार्ड के अपने पास संख्या जो है 6 की रहे, 2 मेरी 8 की अपन तैयारी करें। मैंने उनके घर वालों से कांटेक्ट किया, 6 जो है 6 सदस्यों के घर वालों से कांटेक्ट किया। कई जगह मैंने उनके रिश्तेदार भेजे और कई जगह मैंने खुद पे बात करी, कुछ जगह मैं खुद गया, और वहाँ जाने के बाद मैंने उनको मनाया, समझाया, सारी बात करी। तो जिस भी तरीके से समझाया, मैंने अपने तरीके से उनको समझाया, मैंने उनसे पूरा निवेदन किया, आग्रह किया, तो मुझे ये जवाब मिला 6 वार्ड से कि हमारी कैंडिडेट से बात हो गई और वोट आपके ही डलेगा, आप जैसे कहोगे उस तरीके से आपके वोट डलेगा। और मैं इस चक्कर में रह गया कि भाई अपने पास 6 तो सदस्य हैं, 2 अपन हैं, और 7 की अगर अपन मान के चले तो अपना कहीं ना कहीं से मामला फिट हो सकता है। न तो परिवार वालों ने, उनके परिवार वालों ने ये बोला कि भाई बात नहीं हुई और हमारी तो बात हो नहीं सकती,
और ये असंभव है। तो मैं उस चक्कर में उनके भरोसे रह गया कि यार अगर ये बोल रहे हैं कि अपनी बात हो गई तो अपन मान के चले कि ये कन्फर्म है। अगले दिन मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा, मैं कॉन्फिडेंट था कि अपने पास 8 की संख्या है तो अपन चुनाव जीत रहे हैं। पर ठीक है, पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है, कई बार आप सोच नहीं सकते राजनीति में कि क्या सोचते क्या हो और होता क्या है। तो उस कंडीशन में जब चुनाव हुआ, मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा, मैंने न तो निर्दलीय फॉर्म मैंने भरा और मेरे वोट आए 3। अब 3 में से एक कांग्रेस का टूटा, एक कांग्रेस का उसमें से वोट टूटा, तो कांग्रेस का कोई भी हो सकता है क्योंकि गुप्त होता है वोट, जो होता है वोटिंग गुप्त होती है। तो उसमें जो है गुप्त मतदान में आपको पता नहीं पड़ता कि कौन कैंडिडेट ने आपका साथ दिया है, पर वो कांग्रेस का टूटा, कांग्रेस की एक संख्या कम हुई और कांग्रेस की एक संख्या कम होते ही दोनों में ड्रॉ हुआ, ड्रॉ में वो लॉटरी खुली, लॉटरी में रिंकू मीणा जी प्रधान बन गए। पहली बात तो ये कि मैं इस धोखे में रह गया कि भाई 5 जो अपनी काउंटिंग थी वो गड़बड़ा गई। वो मैं अपनी कमी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें मैं ही विफल रहा, कहीं ना कहीं मैं ही फेल हुआ उसमें। या फिर मैं ये भी मानता हूँ कि ठीक है, जिन 5 में मैंने करा उनकी मजबूरी रह गई होगी कि वो पार्टी में थे और कैसे न कैसे उस समय क्या परिस्थितियां बनी उनके ऊपर, उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मेरी वोटिंग नहीं डाल पाए। या फिर हो सकता है कि परिवार वालों का संपर्क ही नहीं हुआ, वो सदस्य से संपर्क नहीं हो पाया परिवार वालों का और उन्होंने मुझसे ऐसे बोल दिया हो कि भाई हमारा संपर्क हो गया और मैं उस धोखे में रह गया। पर मैं ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आदमी बाड़े में चला जाता है तो उसके पास, पर मैं इस उम्मीद से उनके पास गया क्योंकि मेरे बहुत सारे कैंडिडेट उसमें पार्टी में ऐसे थे जहाँ पे मेरे व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा था उनसे, मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत अच्छा व्यवहार था और जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानता था, जिनकी मैंने पहले भी पूर्व में भी बहुत मदद करी है। कई सारे ऐसे थे जिनके साथ मैं दिलों से लगा हुआ था, पर वो दुर्भाग्य मेरा था कि मैं उनके साथ, उनका वोट मुझे नहीं मिल पाया। पर मेरे को उस चीज़ का कोई आक्रोश नहीं है क्योंकि परिस्थितियां बन जाती है, मैं भी इस बात को समझता हूँ। और मेरा जो बुरा समय था वो वहाँ से ही चालू हुआ जहाँ से मेरा टिकट कटा, पर मैंने संघर्ष में कोई भी कमी नहीं रखी अपने। मैंने आखिरी में भी यही निर्णय लिया कि अपन को अब अकेले ही लड़ना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एक शेर की तरह मैंने लड़ाई लड़ी और 5 कैंडिडेट में नहीं बटोर पाया तो मैं वहाँ पे विफल हो गया और मैं जो है चुनाव उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। रिंकू जी उसमें चुनाव जीते, पूर्व अध्यक्ष रिंकू मीणा जी वो प्रधान बने और वो चुनाव की बात वहाँ ख़त्म हुई। अगले दिन उप प्रधान का चुनाव आया, उप प्रधान के चुनाव में भी सुबह सुबह वही बात तो आ गई, वापस घूम फिर के फिर से वही 2 निर्दलीय के हाथ में पावर आ गई, दोनों निर्दलीय डिसाइड करेंगे कि कौन उप प्रधान बनेगा। दोनों में से बीजेपी का फिर से मेरे पास फोन आया कि उपप्रधान हम इनको बना रहे हैं, आप सपोर्ट करना। रामनारायण जी का फिर से मेरे पास फोन नहीं आया, पर कोई बात नहीं है, मैं किसी लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से नहीं बनाना चाहता था। मैंने आखिरी में अपना निर्णय ये लिया कि अपने पास अब संख्या है नहीं तो मैंने कांग्रेस को वोटिंग करी, कांग्रेस का उपप्रधान बनाया, बीरबल सुमन जी को उपप्रधान बनाया गया। और क्योंकि मेरे जो लगाव है वो कांग्रेस पार्टी से है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टिकट कट जाता है, परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है। तो उस तरीके से सारी बात हो गई, सारा सब कुछ हो गया, उप प्रधान कांग्रेस का बैठा, बीजेपी का प्रधान बैठा और मैं इस तरीके से पूरी जो सब कुछ हुआ चुनाव के दौरान वह मैंने आपको बताया। रिंकू जी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, रिंकू मीणा जी दूधली से वो बीजेपी से प्रधान बने, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी से बीरबल सुमन बने, मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सभी जो बाकी 15 वार्ड पे भी, मतलब टोटल 16 वार्ड पे जितने भी कैंडिडेट्स जीते प्रधान उप प्रधान को मिला के, मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। अब मेरे पास जो है घूम फिर के आखिरी में जो है अब डायरेक्टर का पद बचा है और ये जो पद है इसको मैं बिल्कुल आदरपूर्वक, इसके साथ अब मुझे लोगों के साथ जुड़ना है, लोगों की सेवा देनी। मैं बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे सेवा का मौका दिया और यहाँ से मेरी राजनीति शुरू होती है। और
पूरी दिलो जान से मैं अपने वार्ड नंबर 9 के प्रति समर्पित हूँ। उनका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। 2,500 वोटों से जीतना बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होती है, और वो भी निर्दलीय। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और उनके सेवा में अब मुझे लगना है, डायरेक्टर मुझे बनना है और बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है। और लोग बाग ऐसा भी बोलते हैं, मतलब चुनाव के समय मुझसे बोले कि ये, मतलब कई सारे लोगों को गलत फहमी है कि डायरेक्टर बन के रह जाएगा और जो है ये इसकी राजनीति यहीं ख़त्म हो जाएगी, डायरेक्टर बनने के लिए चुनाव लड़ा था क्या, और इस तरीके से। मुझे, मैं उस समय इतना बोला नहीं, क्योंकि मैं चुनाव में इतना व्यस्त था, मैं नहीं चाहता था कोई नॉनसेंस क्रिएट हो। अगर कोई आदमी ये बोलता है कि डायरेक्टर बन के ही रह जाएगा, या फिर ये, मेरे को दुख होता है कई बार लोग बोल देते हैं कि आपका आज हम मेंबर में जितार दिखा जाए, मेरे लिए नहीं किसी के लिए भी, का आपका और यहाँ से लड़ा मेंबर में जीतर दिखा दे। तो एक तो मेंबर जो होता है उसका वो सम्मान नहीं कर रहे, उसकी वो बेइज्जती कर रहे हैं। किसी भी पद की और किसी भी व्यक्ति का हमेशा लोगों को सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, चाहे वो पद हो चाहे वो व्यक्ति हो। डायरेक्टर पद भी निकालना कई बार इतना आसान नहीं होता जितना लोग हल्के में बोल देते हैं कि तो डायरेक्टर बन ही रह जाओ, वो डायरेक्टर में काई छे। अगर एक डायरेक्टर भी कुछ अच्छा करना चाहे, अच्छी मंशा से अच्छी सोच के साथ लोगों की सेवा में उतरे, तो डायरेक्टर पद भी काफी होता है। और मेरे लिए बोलते हैं कि ये डायरेक्टर बन के रह जाएगा, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इसकी यहीं राजनीति खत्म हो जाएगी। तो राजनीति तो आदमी के कर्मों से चलती है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे और आप लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे, तो अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और मैं कभी भी, मैंने इतना सोचा भी नहीं कि मैं डायरेक्टर बन के यहीं खत्म हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसी सोच के साथ राजनीति में आता, तो पहली बात तो मैं निर्दलीय नहीं उतरता। मैं निर्दलीय उतरा तो वो इसलिए उतरा कि मुझे लोगों की सेवा करनी थी, क्योंकि ये राजनीति ऐसे भी मुझे खाने को नहीं दे रही। ये मेरी कोई रोजी रोटी राजनीति से नहीं चल रही, कि मैं कोई, मेरी रोजी रोटी राजनीति से चल रही हो तो मैं राजनीति में आया हूँ। मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ, चाहे वो मेरे को डायरेक्टर पद पर छोड़ दें, आगे बढ़ाए नहीं। पर मैं इस बात का आपको आश्वासित करता हूँ कि लोगों की जो मेरे से उम्मीदें हैं, मेरे को प्रधान को लेकर भी लोगों में बहुत उम्मीदी थी कि मैं प्रधान बनूं, पर ठीक है, बहुत सारी कमियां रह गई, उन कमियों को पूरी करके आगे बढ़ेंगे और मैदान में वापस आएंगे। आदमी बहुत अच्छी एक बात है कि आदमी कभी हारता नहीं है, वो हमेशा सीखता है। हर एक आदमी को लड़ना जरूर चाहिए, क्योंकि लड़ाई बहुत कुछ सिखाती है। और मैंने तो राजनीति की लड़ाई लड़ी है, तो राजनीति तो ऐसे ही बहुत कुछ सिखाती है। तो हिम्मत हार नहीं होना चाहिए। आदमी हारता तभी है जब वो खुद हार मान के घर पे बैठ जाता है। और ऐसे तो या तो आदमी जीतता है या सीखता है। हारेगा वो तभी जब वो घर पे बैठ जाएगा, खुद ही अपनी हार मान लेगा कि हाँ मैं हार गया। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे खून में है। हार मानने वालों में से मैं नहीं हूँ। कमियां पूरी करके वापस मैदान में उसी ताकत के साथ खड़ा होऊंगा। काफ़ी सारी कमियां रह गई, बूथ मैनेजमेंट के लिए मैं तैयार नहीं था, बहुत सारी चीज़ों के लिए। मेरे पास टीम बहुत बड़ी है, पर उस टीम को मैं काम में नहीं ले पाया, मैं लोगों को बुला नहीं पाया। लोग मुझसे जुड़ना चाहते थे, मैं उन्हें जोड़ नहीं पाया, क्योंकि समय बहुत कुछ कम हुआ। पहला चुनाव था, सब कुछ बहुत काटा कुटा हो गया। पर फिर भी मैं बार बार दोबारा तहे दिल से वार्ड नंबर 9 के सभी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने। और मैं ये आखिरी में ये बात फिर कह दूँ कि कोई भी नेता हो, चाहे वो रामनारायण जी हो, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, वो मेरे दादा तुल्य हैं। चाहे रामनारायण जी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो, कितना ही बड़ा नेता हो, अगर बात मेरे हक की आ गई या मेरे स्वाभिमान के ऊपर कोई बात आ गई, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वो अगर स्वाभिमान से, तो मैं कभी समझौता करूँगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रकार की परिस्थितियां हो, ये चीज ध्यान में रखें। और इस चीज के लिए तैयार रहें कि मैं बेमतलब किसी को छेड़ाछाड़ी नहीं करता, मैं अपने पूरे लिमिट्स में रहता हूँ, पूरी मर्यादा में रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हल्के में ले लिया जाए मुझे, ये हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत
कायदे से तमीज से अपन को आगे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े अपन, और मैं पूरे मर्यादा में रह के अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ना चाहता हूँ। पर मैं सम्मान जरूर देता हूँ सभी को, पर ये गलतफहमी में न रखे कि जब इसके हक की बात आएगी और इसके जो स्वाभिमान के ऊपर अपन इसको छेड़छाड़ी कर सकते हैं, ऐसी गलतफहमी निकाल दें। तो इसी के साथ ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और आप लोग समय निकाल के यहाँ पे आए, और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा नहीं, पूरी पूरा विश्वास है मुझे आप लोगों से कि मेरे हमेशा आप जो है मेरे साथ आप कंधे से कंधे मिला के खड़े रहोगे। और अब मैं जनता की सेवा में उतरूंगा, मैं राजनीति में आ चुका हूँ, पहले राजनीति में नहीं था, पहले तो समाज सेवा में था मैं, पर परिस्थितियों ने मुझे राजनीति में ला दिया, और इस तरीके से मैं आऊंगा ये मैंने सोचा नहीं था। पर ठीक है, कई बार अपन बुरा न देखकर अपन अच्छे की ओर देखे, अगर अपन को आगे बढ़ना है तो आपके ऊपर दो चीज़ें रहती हैं, नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, फायदे भी बहुत सारे होते हैं। अगर आप नुकसान पे घूमे घूमते रहोगे कि मेरा ये नुकसान हो गया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर अगर आप पॉजिटिविटी फायदों की तरफ देखोगे और आप सोचोगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो आप डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार पुनः मैं जो अपने ग्रामवासी लुहावत, ख्यावदा और दुर्जनपुरा ग्राम पंचायत के जितने भी ग्रामवासी हैं, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों का साथ मेरे पे बना रहे, आप लोगों का आशीर्वाद ही है और जो मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है, जिसकी बदौलत मैं खड़ा रहता हूँ। मेरे सुख दुख में भी आप लोगों का साथ बना रहे। और आखिरी में मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, आप सभी लोगों के ईश्वर से मनोकामना करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, और शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी आखिरी बात अपनी ख़त्म करूँगा, और मिलते रहेंगे और कांटेक्ट में आते रहेंगे फेसबुक से। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है, पूरा आसमान नापना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, राम राम साहब।